नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है। राहु के ट्रांजिट कर जाने के बाद मीन राशि में, क्योंकि राहु चले जाएंगे, उसके बाद गुरु अकेले बचेंगे मेष राशि में। तो राहु के गुरु से अलग होने के बाद जो गुरु आपको शुभ रिजल्ट देने जा रहे हैं, वो शुभ रिजल्ट आपको कैसे मिल सकता है, उसकी आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो, तो इसके दो फेज निकल के आते हैं टाइम के हिसाब से अगर इसको देखा जाए। क्योंकि देखिए, जो 30 अक्टूबर का समय, 30 अक्टूबर के बाद से अब जब राहु इनको छोड़ेंगे, उस समय गुरु रेट्रो स्थिति में रहेंगे और इस साल एंड तक लगभग गुरु रेट्रो रहने वाले। उसके बाद जो अगला साल है 24 का जो ईयर है, उसमें शुरुआती 5 महीने तक का जो ट्रांजिट है वो बेहद खास है आप लोगों के लिए। तो एक तो आपका ये जो ट्रांजिट है लगभग 2 महीने का, एक तो आपको इसमें क्या करना है, उसके बाद वाला ट्रांजिट आपका कितना खास है, उसके किस प्रकार से आपको प्लानिंग इन 2 महीनों में करनी है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अपनी कमेंट में राय दे रहे हैं, उनको धन्यवाद, और उन लोगों को भी धन्यवाद जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो जुपिटर हैं उनको राहु छोड़ देंगे। तो राहु का ऐसे तो है नहीं कि राहु जैसे ही मेन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो उनका प्रभाव गुरु पे नहीं रहेगा। कुछ हद तक अभी भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा गुरु के ऊपर, लेकिन उसके बाद का जो अगला साल है उसमें गुरु का अत्यंत शुभ फल आपको मिलेगा। क्योंकि राहु का प्रभाव पूर्णतः हट गया होगा उस टाइम तक, उस वजह से ही आपको अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले हैं। और अब तक, क्योंकि जब से गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया था तब से ही वो राहु के प्रभाव में थे, तो अब वो अपना मुक्त होकर पूर्ण प्रभाव दिखाने वाले, पूर्ण शुभ प्रभाव दिखाने वाले। तो ये प्रभाव आपको कैसे देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आप प्लानिंग कर सकते हो इस प्रभाव के लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो 2 महीने ये बचेंगे जब राहु मेन राशि में गोचर कर जाएंगे, उसके बाद का जो ये साल बचेगा उसमें आपको कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपने नया काम स्टार्ट करा तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, इधर उधर भाग दौड़ आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन आपके जो पिछले कुछ काम, जब से गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया था, वो जो काम है आपके अगर अटके हुए हैं, उन कामों को पूरा करने का ये समय आपको इस साल के एंड तक मिलेगा। तो गुरु यहाँ पर रेट्रो स्थिति में रहने वाले, रेट्रो स्थिति में रहते हुए अब आप सिर्फ और सिर्फ या तो जो पेंडिंग काम है आपको उनको पूरा करना है, या आगे के लिए प्लानिंग करनी है, लेकिन कोई भी नई शुरुआत नहीं करनी आपको। अब अगर हम देखें तो आपका जो राशि और लगन है, आपका सिंह राशि और लगन है, तो सिंह राशि और लगन में गुरु का गोचर हो रहा है नवम भाव में। नवम भाव में जब गुरु का गोचर हो रहा है तो नवम भाव में बेहद खास रिजल्ट रहेंगे गुरु के। क्योंकि सबसे पहले तो आपको गुरु बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना देंगे अगले साल के 5 महीने तक के लिए। तो 5 महीने में हर काम में आपको सफलता देखने को मिलेगी, हर काम आपका बनेगा। थोड़ी सी भी आप मेहनत करेंगे आपका काम बनेगा। थोड़ा सा भी आपने अपना माइंड लगाया किसी काम में, अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, अपनी योग्यता का इस्तेमाल किया, आपका काम अवश्य बनेगा। इसके अलावा ऐसे जातक जिनको विदेश यात्रा करनी है या जो आगे के लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं, उनको ये बेहद खास रहने वाले 2 महीने जो इस साल के एंड के हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करनी है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, आपको विदेश यात्रा किसी भी पर्पज से करनी हो भले, तो वो सारे पर्पज आपके, उनके लिए आप प्लान कीजिएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिनको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, जो हायर एजुकेशन की वजह से विदेश जा रहे हैं, कोई रिसर्च पर्पस की वजह से विदेश जा रहे हैं, या फिर अकल्ट के फील्ड में आप लोग हैं और किसी भी इस प्रकार के पर्पस के लिए विदेश जा रहे हैं, तो इन सब मामलों की प्लानिंग आपको करनी है दिसंबर एंड तक। साथ ही साथ आपके लिए देखा जाए तो आपका, क्योंकि जो गुरु हैं लगन को देख रहे हैं, लगन को देखने की वजह से आपका टूर तो अवश्य होना तय है अगले साल के लिए, लेकिन उसके लिए आप कितना प्लानिंग कर सकते हो, किस प्रकार से आपको प्लान करना है, कितने समय तक आप अगर कहीं जाओगे तो वहाँ रुकोगे, किस प्रकार से आप काम करोगे आगे, वो सब अभी के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है आपके लिए प्लान करने का। क्योंकि उसके बाद तो रिजल्ट काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेंगे, काफ़ी शुभ भी देखने को मिलेंगे। अब जो गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं नवम भाव में, तो संतान
आपकी एजुकेशन, आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी लाइफ, उन सब के लिए गुरु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। आप अपने चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट अवश्य चेक कर लें और इनकी दृष्टियों को भी चेक कर लें। जहाँ भी गुरु बैठे हैं उस भाव का रिजल्ट शुभ होगा और इनकी दृष्टियों का भी अत्यंत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को भी विवाह में दिक्कत आ रही है उन लोगों के विवाह के चांस बनेंगे। संतान में दिक्कत आ रही है, संतान की प्राप्ति होगी। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको समस्या आ रही है वो आपके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसी है उसके लिए। तो ये जो समय है वो आपके लिए तैयारी करने का है। अब उसके बाद जो अगला साल है, अगले साल में गुरु का रिजल्ट बेहद शुभ आने वाला है। तो अगले साल आपके सारे के सारे काम जिनकी प्लानिंग अब आप करोगे वो सारे बन जाएंगे या बनने लगेंगे। तो सबसे पहले तो अगले साल में आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, देखिए अगले साल के जो 5 महीने उनमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड हर कार्य बनेगा। आपको विदेश यात्रा करनी है या कोई भी पर्पज से लंबी दूरी की यात्रा करनी है वो सारे काम बनेंगे। अगले साल आप और ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे और ज़्यादा पूजा पाठ में रुचि लेने लगेंगे। साथ ही आपके फादर की हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स इस साल रह सकते हैं। अगले साल के लिए अगर हम देखें तो फादर की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इस गोचर में आपको कोई गुरु मिलने की संभावना भी बनेगी, क्योंकि गुरु का जो अगले साल का ट्रांजिट है, अगले साल का 5 महीने का ट्रांजिट, वो बेहद खास है। तो अगर आपको किसी योग्य गुरु की तलाश है, आपको किसी पूर्ण गुरु की तलाश है, वो तलाश आपकी अगले साल पूरी हो सकती है। आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अब वो ज्ञान किसी भी फील्ड का हो सकते हैं, तो आपके लिए अगला साल बेहद खास है और उसके जो 5 महीने वो बेहद आपके लिए खास रहने वाले हैं। तो इनका जो रोल होगा इन 5 महीनों का वो बहुत ही बड़ा होगा और वो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी तय कर देगा। लंबे समय तक आपका फ्यूचर में उसका रोल रहेगा। तो जो काम आप करोगे अगले साल 5 महीने तक या जो रिजल्ट आपको अगले साल के 5 महीनों में मिलेंगे उनका पूरी लाइफ पर आपके प्रभाव पड़ेगा, पूरी लाइफ आपकी चेंज होने वाली है उससे। अब आपके चार्ट में कितना अच्छा गुरु बैठा हुआ है इन सब पे डिपेंड करेगा। साथ ही इसके रिजल्ट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जिनको महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिनकी महादशा या अंतरदशा नहीं है उनको रिजल्ट थोड़े कम देखने को मिलेंगे। साथ ही गुरु देख रहे थर्ड हाउस को, थर्ड हाउस को देखने की वजह से भाई बहनों के साथ कुछ दिक्कतें चल रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। साथ ही इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बौद्धिक रूप से मेहनत करनी है आप लोगों को। शारीरिक रूप से गुरु नहीं दिखाते उतना मेहनत करने के लिए। फिर ये पंचम भाव को देख रहे, पंचम भाव को देखने की वजह से अत्यंत शुभ हो जाता है आप लोगों के लिए वैसे भी, क्योंकि पंचम भाव से बहुत सारी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं, हमारा पूर्व जन्मों के जो पुण्य हैं उनका भी आपको लाभ मिलेगा। तो वो सारा का सारा जो लाभ आपको मिलेगा वो अगले साल ही मिलेगा। बट ये 2 महीने बेहद खास हैं, क्योंकि ये 2 महीने में अगर आप समय गंवा देंगे तो आपको अगले जो साल के 5 महीने उनमें भी कुछ खास नहीं मिलेगा। तो पूरा ये जो समय लगभग 7-8 महीनों का, इसको बेहतर तरीके से प्लान करके जीना चाहिए आप लोगों को और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर जब गुरु पंचम को देख रहे हैं, पंचम को देखने की वजह से संतान से जुड़े हुए जितने भी आपके मैटर हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। संतान की हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, संतान की एजुकेशन को लेकर दिक्कत आ रही है, या संतान के साथ आपको संबंधों में दिक्कत आ रही है, वो सारी समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। साथ ही साथ इस गोचर में बहुत कुछ आप नया सीखने वाले हो, लर्निंग करने वाले हो, नया कोई ज्ञान या किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे तो उसका ज्ञान प्राप्त करने वाले, तो ये बेहद खास गोचर हम मान सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हो अपने लिए और इस प्रकार के ही कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।